कितने केजी में कितना किलोमीटर चल रही है। अच्छी चीज़ ये है कि ये भाई सीएनजी में ही स्टार्ट हो जाती है और वाइब्रेशन तो है भाई। टेस्टिंग तो पूरी तभी मानी जाएगी जब सीएनजी टैंक पूरा मैं फिल करवा लेता हूँ। तो भाई अब फाइनल चेक करते हैं कितने किलो गैस आती है इसमें। यार जो सीएनजी में ना पहला इंप्रेशन है, देख रहे हो भाई, इसीलिए बोलते हैं इसको इंडियाज मोस्ट पावरफुल सीएनजी। हालांकि ये जो थ्री सिलेंडर इंजन है ये थोड़ा सा नॉइज करता है, वाइब्रेशन नहीं है, लैग वाली चीज बोलते हैं ना वो चीज बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि इसीलिए अभी टाटा ने टर्बो वाली में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दिया है। इधर डिस्टेंस वो एम्प्टी दिखा रहा है लेकिन ये वाला पेट्रोल का है भाई, सीएनजी का नहीं है। सीएनजी का आपका मीटर इधर चल रहा है। 100 किलोमीटर अभी हमारी नेक्सॉन चल चुकी है और 40% के करीब मुझे समझ में आ रहा है कि सीएनजी इसमें बचा हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, और आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ टाटा नेक्सॉन आई सीएनजी। और आज के वीडियो में मैं इसका करने वाला हूँ रेंज टेस्ट, क्योंकि एक सीएनजी कार के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि क्या माइलेज निकल रहा है, कितने केजी में कितना किलोमीटर चल रही है। तो वो सारा चीज़ मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ, साथ ही साथ कि सीएनजी में इंजन की कैसी परफॉर्मेंस होती है, टाटा ने जो पावरफुल इंजन में आपको सीएनजी दिया है उसमें कितनी पावर एक्चुअल में चलाने में मिलती है, पिकअप कैसा है, राइड एंड हैंडलिंग कैसी है, ड्राइव क्वालिटी कैसी है और जर्क्स पे कैसा परफॉर्म कर रही है, इंजन में कितनी वाइब्रेशन है, ये सारा टेस्ट हम आज करने वाले हैं। देखिए, इसका अगर वॉक अराउंड आपको देखना है तो मैं ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ, हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हो। आज मैं क्योंकि ड्राइव और इंजन और परफॉर्मेंस की मेनली बात करने वाला हूं, तो इंजन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें आपको 1.2 लीटर का थ्री सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन पावर उसमें 100 हॉर्स पावर मिलती है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, और एक टर्बो पेट्रोल इंजन में यहां टाटा ने सीएनजी दिया है। और साथ ही आपको 170 एनएम का टॉर्क मिलता है, मैनुअल ट्रांसमिशन में ये केवल आपको ऑफर की जाती है। साथ ही इंजन अब टेस्ट करते हैं कि वाइब्रेशन कैसा है कार में। ये मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देखोगे इंजन का वाइब्रेशन इतना है, नॉइज़ भी थोड़ी सी महसूस हो रही है, ये पार्ट हिल रहा है, वाइब्रेशन तो है ये कहेंगे। अब मैं इसको पेट्रोल में भी डालता हूँ और देखता हूँ पेट्रोल में क्या वाइब्रेशन और इंजन की आवाज़ कम होती है। तो भाई ये अच्छी चीज़ ये है कि ये भाई सीएनजी में ही स्टार्ट हो जाती है और सीएनजी में ही, चलो आपको पेट्रोल में डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ पेट्रोल में थोड़ी सी आवाज़ कम हुई है। अब यही वीडियो में मैं चेक करने वाला हूँ कि ड्राइविबिलिटी में क्या फ़र्क पड़ता है, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी बायर है भाई जब वो ख़रीदने जाता है इस सेगमेंट में, ब्रेज़ा से मैंने कंपैरिजन का जो वीडियो बनाया आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि यार कंपेयर करके इस सेगमेंट में तो अभी फ़िलहाल ये हर मामले में क्लास लीडिंग है। और एक और जो अच्छी चीज़ है वो मैं बस आपको शॉर्ट में दिखा दूँ, उसके बाद हम ड्राइव शुरू करते हैं, वो है भाई इसका बूट स्पेस। आप देख रहे हो मैं कितना सामान कैरी कर रहा हूँ इसमें, एक छोटा ट्रॉली बैग, एक मीडियम साइज़ का ट्रॉली बैग और एक अपना हैंड बैग। और इसमें आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे ये बैग मैं निकाल देता हूँ भाई, जिससे इसका बूट स्पेस जो है ना ये सिलेंडर पूरा नीचे चला जाता है और पूरा आपको 321 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि सीएनजी के साथ किसी कार में आपको इतना बड़ा बूट स्पेस नहीं मिलता है। तो चलते हैं अब ड्राइव पे और वहाँ से हम आपको कंपेयर करके बताते हैं सारे मायने में, कि चाहे फीचर्स में हो और इंजन परफॉर्मेंस, तो मेनली और माइलेज क्या निकलता है। भाई टेस्टिंग तो पूरी तभी मानी जाएगी जब सीएनजी टैंक पूरा मैं फिल करवा लेता हूँ और उसके बाद टेस्ट करता हूँ। सीएनजी गाड़ी में बस यही एक चैलेंज रहता है कि भाई ये जो लाइन है ना, बट फिर भी एक अच्छा विकल्प इसलिए है कि भाई सीएनजी के साथ पेट्रोल है, अगर आपको नहीं मौका मिलता है या बहुत जैम लगता है या आपको जल्दी कहीं ट्रैवल करना है पेट्रोल पे चलो, नहीं तो सीएनजी डला लो तो पैसे बचेंगे। तो भाई अब फाइनल चेक करते हैं कितने किलो गैस आती है इसमें, और जो रेट चल रहा है लगभग 80 रुपये मान लो जो चल रहा है 79.70, तो भाई सिर्फ 1.25 किलो ही आया और 101 रुपये का, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सीएनजी था। लेकिन क्या है कि जब टेस्ट करें आपको तो एकदम सही टेस्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने एकदम इसको फुल किया है। तो भाई ट्रिप मैंने ज़ीरो कर दिया है, अब इसकी असली माइलेज टेस्ट होगा, साथ ही सीएनजी का ट्रिप भी मैंने ज़ीरो कर दिया है। ये देखो अब आप पूरा फुल हो गया है, ये जो हाइलाइट्स दिख रहे हैं ना ये अब पूरे ये फुल हो गए, पेट्रोल और सीएनजी दोनों इसमें अब
फुल है। तो भाई अब अपना ट्रिप हमने शुरू कर दिया है। सुबह सीएनजी डलवाने के बाद लगभग 6 किलोमीटर अभी ये चल भी चुकी है और अब एक्चुअल रेंज टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। रेंज बोल रहा हूँ, माइलेज टेस्ट। ईवी की आदत पड़ गई है यार, इसलिए रेंज रेंज निकलता है, लेकिन माइलेज टेस्ट करते हैं। अल्टीमेटली मुद्दा वही है भैया, कितने पैसे में कितना चलेगी। तो चलो अब देखते हैं। और यहाँ से हम निकल रहे हैं गुड़गांव। भाई जानबूझ के मैंने ऐसा रूट सेलेक्ट किया है कि जो इंसान होता है ना भाई, अगर दिल्ली NCR में आप रह रहे हो, अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो, इससे ज़्यादा बिजिएस्ट रोड आपको नहीं मिलेगी। तो आपकी जो टेस्टिंग है वो पूरी तरह से हो जाएगी कि भाई शहर में कैसा चल रहा है, थोड़ा सा खुला रोड भी मिलेगा तो उसमें पिकअप परफॉर्मेंस वो भी कैसी है, वो सारी चीज़ टेस्ट हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल माइलेज कितना मिल रहा है और CNG में ये कितना चल पा रही है। भाई एक और चीज़ जो कह लें कि पहला ड्राइव इम्प्रेशन था कि भाई इसका जो पावरफुल इंजन बोला जाता है, मतलब सेगमेंट में ये ऐसा पहला है कि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आपको CNG ऑफर किया गया है, वो चीज़ समझ में आ रही है। जब आप ड्राइव करोगे तो आपको महसूस होगा, जैसे ये देखो मैं, सडन आपको वो पिकअप मिलता है। हालांकि ये जो 3-सिलेंडर इंजन है ये थोड़ा सा नॉइज करता है, थोड़ी सी आवाज़ आपको आती है, लेकिन अगर जो लोग गाड़ी भगाने के या चलाने के शौकीन होते हैं, जब टर्बो पेट्रोल वाला CNG वाला फील जो है वो उनको कहीं से CNG का फील नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा डीजल वाला भी मज़ा दे रहा है यार, जब आप उठाओ और ऐसा रैव कर रहा है और ऐसा इंजन से जो आवाज़ आ रही है वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव है मेरे सेंस में। तो मुझे वो इंजन की आवाज़ वो अच्छी लग रही है। हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि वाइब्रेशन नहीं है, ये मैं बता दूं कि जैसा लोग कर रहे थे, मैंने भी अपने इसके पहले वाले वीडियो में इंजन जब खोल के और CNG पे गाड़ी स्टार्ट थी तो इंजन थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन था, बट चलने में वो चीज़ आपको कहीं से भी नहीं फील होगी। और स्पेशली जो गियर बॉक्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब सडन आप अगर थ्रॉटल दोगे तो सडन वो पिकअप लेगा। अब जैसे कि देखो भाई, मैंने सेकेंड गियर में फुल स्टॉप होने के बाद भी मैंने सेकेंड गियर में उठाया, कार उड़ गई। अमूमन क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा CNG वाली गाड़ी उठाओ ऐसे, तो आपको महसूस होता है कि यार कहीं बंद ना हो जाए। अभी देखो ये 30 की स्पीड में है, मैं तीसरा गियर भी लगा दिया इसका, ठीक है 30 से कम की स्पीड में हो गई। और जैसे ही मैं थ्रॉटल दूंगा तो ऐसा नहीं गट गट कुछ गाड़ियाँ करती, वैसा नहीं करेगी, धीरे धीरे ये देखो आप, ये सडन स्पीड ये पकड़ लेगी। तो जो लैग वाली चीज़ बोलते हैं ना, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि इसीलिए अभी टाटा ने टर्बो वाली में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं दिया है, क्योंकि आप वो लैग वाली चीज़ हो सकता है हो। हाँ आप अगर टॉक कन्वर्टर गियर बॉक्स दे दोगे तब तो बात अलग हो जाएगी, तब तो वो तुरंत इसी तरह का ही पिकअप मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो मैनुअल गियर बॉक्स के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और भाई 6 स्पीड है, मतलब इसके कॉम्पिटिटर्स जो है अगर वैसे देखें तो मारुति की ब्रेज़ा ही एक आती है, उसमें 5 गियर CNG वाले मिलते हैं, यहाँ पे आपको 6 गियर मिल रहे हैं और गियर बॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भाई फीचर लोडेड होने का ये भी एक फ़ायदा होता है, जैसे ये इंडिकेटर मैंने ऑन किया एक्सप्रेसवे पे, तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है ना वो पूरा फुल स्क्रीन पे काम कर रहा है, आपको दिखता रहेगा कि भैया कोई गाड़ी पीछे से आ रही है। तो ये सारी चीज़ अच्छी है। और नेक्सॉन CNG में ये भी बढ़िया किया है कि ज़्यादातर वेरिएंट, 8 वेरिएंट में आपको CNG के ऑप्शन है, यानी बेस टू टॉप ज़्यादातर वेरिएंट्स में, यानी यूँ कहें कि सभी वेरिएंट्स में CNG का ऑप्शन दे दिया है कि भैया आपको बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ तो करना नहीं पड़ रहा है। तो भाई आप इंजॉय करो, माइलेज भी अच्छा लो, ड्राइवेबिलिटी भी अच्छी लो और फीचर्स भी अच्छे हैं, सेफ्टी तो टाटा के साथ है ही। लोअर स्पीड्स में तो मैं आपको दिखा दिया, 2000 RPM के अंदर है कार और 60 की स्पीड है लगभग, 4th गियर में है। अब देखो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, तुरंत कहीं से आपको लैग नहीं मिलेगा। जनरली क्या होता है कुछ कारों में स्पेशली कि 2500-3000 RPM के ऊपर होगी तभी ये पिकअप मिलेगा। यहाँ देखो आप सडन, आपको तुरंत थ्रॉटल आपने दबाया, तुरंत आपको पिकअप मिल रहा है और 4th गियर तक ये बढ़िया 100 की स्पीड में भी चली गई भाई। अब ये लग गया 6th गियर भाई, 6th गियर आप लगा लोगे, 2000 RPM की स्पीड पे है। ये देखो गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है, वो भी आपको दिख रहा है। और आप अगर इस स्पीड में चलोगे 90-100 के बीच में 6 गियर क्योंकि है,
जनरली बोलते हैं कि आप 80 की स्पीड में चलोगे तो आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो 5 स्पीड ऑटोमेटिक रहती थी उनमें ये नियम लागू होता था या ये फॉर्मूला सक्सेसफुल होता था। जब आपकी 6 गियर वाली गाड़ी होती है ना तो आप 80 से ऊपर चल सकते हो, लेकिन 100 के अंदर रहोगे तो आपको अच्छी माइलेज मिलेगी। कंटिन्यूस स्पीड अगर आप बनाए रहोगे तो आपको चाहे सीएनजी हो, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, कोई भी गाड़ी हो, वो सब में आपको अच्छी माइलेज मिलेगी। और नेक्सॉन ही एकमात्र ऐसी गाड़ी है पूरे इंडिया में जिसमें आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी आपको दोनों में बढ़िया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है फुल, और अलग अलग लेआउट्स है। ये देखो, जैसे ये मैंने कर दिया तो स्पीड आ गई, बीच में इन्फो आ गया और किस गियर में है वो बड़ा सा हाईलाइट हो गया। ये मैंने चेंज कर दिया तो एक और थीम चेंज हो गई। उसके बाद ये सेंटर में स्पीड आ गई, इधर डिस्टेंस वो एम्प्टी दिखा रहा है, लेकिन ये वाला पेट्रोल का है भाई, सीएनजी का नहीं है। सीएनजी का आपका मीटर इधर चल रहा है, यानी 16 किलोमीटर चल गई है, तो इसी से अंदाज़ा लगाएंगे कितने किलोमीटर सीएनजी में चल रही है। उसके बाद जब ये पेट्रोल पे स्विच होगी तो अपने को एक्चुअल माइलेज पता चल जाएगा कि भैया ये कितना चल रही है। ये देखो सीएनजी ऊपर लाइट जल रही है, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये सीएनजी का ऑप्शन है, सीएनजी में है, इसको दबा दोगे तो पेट्रोल में आ जाएगी। ये देखो यहाँ सीएनजी की लाइट हट गई, फिर से मैं इसको दबा देता हूँ तो ये देखो सीएनजी में आ गया, वहाँ पे लाइट भी आ गई सीएनजी की। तो इस तरह से अभी सीएनजी में ही चल रहे हैं। और भी जैसे ये सीएनजी इन्फो है, यहाँ पे आप व्हीकल इन्फो आ जाएगा, क्या पावर, क्या टॉर्क, नेविगेशन आप कनेक्ट कर लोगे फ़ोन से तो वो आप ऑन हो जाएगा, मीडिया, रेडियो और ये सारी चीज़ ऑन हो जाएगी। उसके अलावा ये सेटिंग्स के ऑप्शन है, ये ट्रिप का भी आपका ऑप्शन आ रहा है, कहीं आप ट्रिप पे जा रहे हो तो वो चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ इस पर भी मिलेगी। और अच्छी चीज़ क्या है कि ये दोनों कनेक्टेड रहता है तो आपको पूरा अपडेट मिलता रहता है, कि आपको नज़र हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी नज़र मीटर और रोड दोनों पे रहेगी, तो टेंशन नहीं होता भाई एक्सीडेंट एक्सीडेंट का। बाकी तो सेफ्टी में तो टाटा है, 6 एयर बैग्स इनके बेस वेरिएंट से मिल रहे हैं। बाकी और कई ऐसी कार्स कंपनी हैं जो बेस वेरिएंट में अभी भी 6 एयर बैग्स नहीं दे रही, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड जैसे फीचर्स टाटा ऑलरेडी अपने बेस वेरियंट में ऑफ़र कर रहा है। देख रहे हो भाई किस तरह का ट्रैफिक है, और पूरी इसीलिए मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ कि भाई हर कंडीशन में, और ज़्यादातर दिल्ली NCR में अगर रहने वाला इंसान है ना तो उसको भाई यही कंडीशन में जूझना है किसी भी मेट्रोज में। और आजकल ट्रैफिक तो दिल्ली NCR क्या, कोई भी बड़ा शहर हो हर जगह ट्रैफिक होने लगा है, इसीलिए ये टेस्टिंग इस ढंग से मैं कर रहा हूँ। पैनारोमिक सनरूफ भी ऑफ़र की जा रही है जो कि टाटा कर्व से ली गई है, और बढ़िया बड़ी सनरूफ है, हालाँकि इससे बाहर आप नहीं निकल सकते, निकलना भी नहीं चाहिए, सेफ़ भी नहीं है और रेकमेंडेड भी नहीं है। और ये तो टाटा कर्व से ले लिया, एक चीज़ और ले लेते तो अच्छा लगता, ये चाबी, बट चाबी नहीं ली, पुरानी वाली ही की स्टाइल कंटिन्यू की है सीएनजी में। हाँ कुछ मिस आउट चीज़ें ज़रूर है सीएनजी वेरिएंट में, जैसे कि आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलेगा यहाँ पे सीएनजी में, आपको पेट्रोल वाले वेरिएंट में मिलता है, डीजल वाले वेरिएंट मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्किप किया गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी नहीं आया है फिलहाल। और ये जो गोला देख रहे हो ना छेद, यहाँ ड्राइव मोड भी नहीं मिल रहे हैं आपको, बाकी में मिलते हैं, सीएनजी वाले में ड्राइव मोड भी हटा दिया गया है, और इसीलिए इंजन जो एकदम फ्री है तभी इतना अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है मुझे लग रहा है। भाई टाटा की न्यू स्टेयरिंग लगती तो बड़ी स्टाइलिश है, अच्छी है, सीएनजी वाले में आपको ये फोर स्पोक वाली नहीं मिलती, यहाँ से भी जो डिज़ाइन होती है ना वो ईवीज में मिलती है, यहाँ आपको केवल 2 स्पोक वाली स्टेयरिंग मिलती है। बस एक छोटी सी कमी मुझे ये लगती है कि आप जब हॉर्न दबाना हो ना और आपका हाथ ऐसे हो तो आपकी ये बटन पे हाथ चला जाता है। तो भाई गुड़गांव से अब वापस हम नोएडा की तरफ मूव कर रहे हैं, आप देख रहे हो दिल्ली 26 किलोमीटर दिखा रहा है, और जो गाड़ी हमारी है वो आप देखोगे तो लगभग 66 किलोमीटर चल चुकी है। सीएनजी वाला जो फुल और एंड का है लगभग बीचों बीच के आसपास ये आ रहा है। एक चीज़ है भाई, इसका एयर प्योरीफायर गजब काम कर रहा है, देख रहे हो AQI 9 पे आ गया, 10 से अंदर रेगुलर चल रहा है भाई, और बाहर महिपालपुर का जाम शुरू हो गया भाई, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 भी नहीं बजे हैं, ये हाल है भाई। भाई देखो इस स्टेयरिंग में ना एक चीज़ तो होता है, देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये देख रहे हो हॉर्न दबाते दबाते जो ये इस पे ये पियानो ब्लैक पे जो छाप आती है ना, पैचेस बनते हैं, ये थोड़ा सा यार लगता है कपड़े लेके जल्दी से पोंछ दो फिर से चमकने लगे। भाई नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, और कार जो है वो 111 किलोमीटर
चल चुकी है और अगर सीएनजी देखेंगे तो लगभग 30% के करीब मुझे लग रही है। फिर भी हम इसको पूरा बर्न करेंगे, आगे तक चलते हैं फिर यू टर्न करेंगे, क्योंकि मेरे घर का कट तो यहीं आ रहा है, लेकिन मैं आगे चल रहा हूँ कि भाई इसको खत्म करके देखते हैं कितनी रेंज निकलती है। तो भाई ये हो गई पूरी डिटेल नेक्सॉन सीएनजी की, और आपने देखा होगा कि हमने जो रन किया ज़्यादातर शहर में किया, क्योंकि हम देखो एक्सप्रेस वेज पे भी जा सकते थे और हमारी रेंज और ज़्यादा निकल सकती थी, 200 किलोमीटर तो हम आराम से ट्रैवल कर लेते, लेकिन हमने ये कोशिश की कि भाई जो आम आदमी है वो ज़्यादातर सिटी ट्रैफिक में ही गाड़ी चलाता है, तो सिटी ट्रैफिक में एक्चुअल माइलेज में क्या निकलता है। हम नोएडा से गुड़गांव गए, गुड़गांव से वापस आए नोएडा, नोएडा से हम ग्रेटर नोएडा गए, वहाँ से भी वापस आ गए, और अभी तक मीटर में आप देख रहे होंगे 143 चल गई है और अभी भी 15% जो है सीएनजी बची हुई है, तो यानी 180 तो आराम से चल लेगी। और 180 का मतलब हो गया है कि जो सिलेंडर होता है वो उसमें आपको भले ही वो 60 लीटर का होता है लेकिन 10 किलो ही उसमें सीएनजी आती है, और अगर आप ऐसे देखोगे तो जो यूज़ होती है वो 8.5 से 9 किलो ही उसमें यूज़ हो पाती है। अगर 9 किलो भी हम उसमें सीएनजी कंजम्पशन ले लें और हम 180 किलोमीटर चल रहे हैं, 20 का एवरेज ले लें तो आराम से 180 होता है, तो हमारा 20 का माइलेज तो निकल ही रहा है। अगर हम एक्सप्रेस वेज और हाईवेज पे चलते तो 200 किलोमीटर की भी रेंज निकल जाती है, यानी जो टाटा क्लेम कर रहा है 24 किलोमीटर पर केजी का, वो समझ लो माइलेज काफ़ी हद तक सही है। बाकी आप बताओ दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो। मेरे हिसाब से नेक्सॉन को मैं पूरी तरह से रेकमेंड करूंगा कि आप सीएनजी में ले सकते हो, और इसका कोई कॉम्पिटिटर भी अभी हाल फिलहाल में नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट छोड़ो, ये हैचबैक तक को भी टारगेट करेगा। अगर आप कोई हैचबैक लेना चाह रहे हो और उसमें 50,000 लाख और लगा लोगे तो नेक्सॉन एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, आप बताओ आपको कैसा लगा वीडियो,